हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और न्यू सिलेबस के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में आ रहा है तो ठीक है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, उस सारे कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि सी ए रिगार्डिंग सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट आपको यहीं मिलेगी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि कल अनाउंसमेंट रिलीज़ हुई थी न्यू सिलेबस की। अब न्यू सिलेबस जैसे अनाउंसमेंट रिलीज़ हुई, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ गए हैं। देखो, पहला डाउट क्या है कि आपको कन्वर्जन अगर कराना है ना, तो 1 जुलाई 2023 है कन्वर्जन कराने की इंटरमीडिएट फाइनल की। अब देखो, अगर आपको नवंबर 2023 में एग्ज़ाम देना है, गलती से भी कन्वर्ट मत कर लेना। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि न्यू सिलेबस में फर्स्ट एग्ज़ाम कब होने वाला है, न्यू सिलेबस फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है मई 2024 में। अगर आप न्यू सिलेबस में कन्वर्ट करा लेते हो तो आप मई 2024 में शिफ्ट हो जाओगे, जबकि आपको एग्ज़ाम देना नवंबर 2023 में। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि आप कन्वर्ट करा लो न्यू मई 2024 के लिए, आपका पूरे 6 महीने ख़राब हो जाएंगे। अब दूसरा डाउट, ये जो रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट आपको दे रहे हैं 30 जून 2023 है ना, ये रही क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एक एक ग्रुप करके एग्ज़ाम देते हैं, एक एक ग्रुप का रजिस्ट्रेशन कराते हैं फिर एग्ज़ाम देते हैं, तो ये अनाउंसमेंट उन सभी के लिए जो सिंगल सिंगल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं, है ना। अगर आप भी सी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो और आपको एग्ज़ाम देना है नवंबर 2023 में और आपने अभी तक दूसरे ग्रुप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो 30 तारीख तक करा लो, क्योंकि 30 के बाद आप न्यू सिलेबस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाओगे अगर आप नहीं करा पाओगे तो, क्योंकि आपको मई 2024 में ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर। ठीक है, क्योंकि 1 जुलाई को भी आप रजिस्ट्रेशन कराते हो ना, तो 1 जुलाई के लिए तो आप मई में शिफ्ट हो जाओगे। आपको अगर एग्ज़ाम देना है तो 30 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो और आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो कुछ भी नहीं करना, नवंबर में आपको एग्ज़ाम देना है, मस्त एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना है और एग्ज़ाम दे के आना है। लेकिन आपको अगर नवंबर में एग्ज़ाम देना है तो कन्वर्ट बिल्कुल मत कर लेना, कन्वर्ट करते ही फंस जाओगे आप। ठीक है, समझ गया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। अगर अभी तक भी समझ में नहीं आया तो रिवाइज करो, फिर से देखो, तब आपके समझ में बैठेगा। ठीक है, डाउनलोड कर लो चाहे इस वीडियो को। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना जो कन्वर्जन की सोच रहा है और नवंबर में भी एग्ज़ाम देना चाहता है तो। ठीक है, इस वीडियो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना ही जाना है आपको। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।